अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पाक टीवी। पाक टीवी की तरफ से आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्हें हम जानते हैं मिस्टर बीन के नाम से, जिसने बिना कुछ बोले पूरी दुनिया को हंसाया है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मिस्टर बीन का रियल नेम रोवन एटकिंसन है। ये 6 जनवरी 1955 को इंग्लैंड में पैदा हुए और इसके वालिद का नाम एरी एटकिंसन है, जो एक किसान थे। मिस्टर बीन 3 भाई हैं और मिस्टर बीन सबसे छोटे हैं। और दोस्तों, मिस्टर बीन बचपन से ही बहुत शर्मीले थे, इसके बावजूद इसको लोगों को हंसाने में बहुत मजा आता था और ये मैं उल्टा सीधा करके अपने दोस्तों को हंसाया करते थे और इन्हें लोगों को एंटरटेनमेंट करना बहुत पसंद था। जब वो स्कूल में थे, उन्होंने एक फिल्म देखी। इस फिल्म में विजुअल कॉमेडी दिखाई गई, जो उन्हें बहुत पसंद आई। जब उस वक्त तक उन्होंने एक्टिंग या कॉमेडी करने के बारे में सोचा नहीं था। वो अच्छे स्टूडेंट थे जो पढ़कर अच्छे इंजीनियर बनना चाहते थे। उन्होंने न्यूकैसल यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल की डिग्री ली। आगे 1975 में उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एमएससी करने के लिए द क्वीन कॉलेज ऑक्सफोर्ड में एडमिशन ली। इस दौरान इन्हें एक स्केच लिखने और परफॉर्म करने के लिए कहा गया। अब तक मिस्टर बीन ने कुछ पार्टिसिपेट में हिस्सा लिया था, लेकिन लिखना इसके लिए नया था। इस स्केच को बनाते वक्त इसको रियलाइज हुआ कि वो विजुअल कॉमेडी भी कर सकते हैं और इसमें कैरियर बना सकते हैं। कॉलेज में उसकी मुलाकात हुई रिचर्ड कल्टर से, जो एक राइटर थे, और हॉवर्ड गोडल से, जो म्यूजिक कंपोजर थे। तीनों मिलकर काम करने लगे। उनके काम को लोग जानने लगे। उनका एक प्ले देखने के बाद जॉन लॉयड, जो एक बीबीसी प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मिस्टर बीन को एक टीवी शो में काम करने के लिए ऑफर दिया। अब 22 साल रोवन के पास 2 रास्ते थे। एक जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अच्छे पैसे कमा रहा था, और दूसरी तरफ टीवी शो था जो शुरू करना उनके लिए नया था और रिस्की था। और वो ये भी जानते थे अगर वो कामयाब हुए तो जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। उन्होंने टीवी शो को चुना। ये शो था नॉट द 9 क्लॉक शो कामयाब रहा। उनकी एक्टिंग और राइटिंग की लोगों ने तारीफ की। उनके एक नया शो द ब्लैक एडर ऑफर हुआ। उस शो के राइटर थे उनके जिगरी दोस्त रिचर्ड कल्टर, जिनके साथ उन्होंने कॉलेज ज्वाइन काम किया था। ब्लैक एडर एक कामयाब सीरीज बन गई। रोवन हर जगह नजर आने लगे। एक बार बीन नाम का डायरेक्टर उनके पास एक स्क्रिप्ट के साथ आया, जो एक विजुअल कॉमेडी थी विद आउट एनी डायलॉग। ये थी चीटिंग। अगर आप मिस्टर बीन के फैन हैं तो आपने ये स्केच जरूर देखा होगा। इस स्केच में मिस्टर बीन एग्जाम देते हैं और एग्जाम में चीटिंग करते हैं। याद आया कि नहीं? इस स्केच के बाद ही मिस्टर बीन का करेक्टर बना, जिसे आज दुनिया भर में पसंद किया जाता है। उन्होंने नेवर से नेवर अगेन फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। उसके बाद उन्होंने बहुत सी फिल्में की। 1957 में उन्होंने बीन नाम की फिल्म बनाई, जो बहुत ही कामयाब रही। उन्हें बचपन से ही जेम्स बॉन्ड पसंद थे और बचपन से ही एक जासूस का रोल करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जॉनी इंग्लिश और रोवन बनाई। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें, 1985 में उनकी मुलाकात सुनीता शास्त्री से। कुछ सेलिब्रिटी करने के बाद 1990 में उन्होंने शादी कर ली और इनके 2 बच्चे हैं। और कुछ कारण की वजह से 2014 में इनके दुनिया तलाक हो गए। रोवन को महंगी कार का बहुत शौक है। इसके पास ओडा ABC स्कोडा सुपर और बहुत सी लग्जरी कार है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।